यदि सारा नौकरी भाग के बचना है तो अलग राज का निर्माण का है। इतना बलिदान, इतना संघर्ष, इतना पाप, इतना त्याग, इतना जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना पुलिस के लाठी खाए बाद, इतना कपार खाटने के बाद, इतना शरीर में एक एक को जान छाते हैं जब पुलिस के लाठी में चढ़ाए, आखिर अलग राज का है। अलग राज है तो मेरे बोला है कि हमने के 12 लाख मजदूर बाहर खड़े रहे, चूंकि यहाँ जैसा कि हम देखे पावे भीड़ में बगोदर ब्लॉक और विष्णुगढ़ ब्लॉक के बहुत सारा अभिभावक का छाप पहले है, तो उन्हें जानकारी होना चाहिए पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा पलायन गए हैं तो झारखंड के बगोदर और विष्णुगढ़ ब्लॉक। यही खाते एक गिरिडीह जिला, एक हजारीबाग जिला की यह दिक्कत लग रहा है तुम्हें कि हमने मजदूर की संख्या बढ़ाई, अलग राज्य की खाते बढ़ा। साफ शब्द बताइए कि अलग राज्य का गठन क्यों किया गया था, अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए? अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अभियंताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वकीलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए अलग राज्य लिया था, उल्टा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, अभिभावक, माताएं, बहने, महिलाएं इस मंच पर, इस बदलाव संकल्प सभा पर, ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान तक आई हैं, आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा, इस राज्य में अगर बदलाव लाना है तो जो भी हमारे लिए निर्णायक होगा, जो भी अन्य राज्यों के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं और चूंकि उन्हें ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से बात जाती है और उन्हें समझ में शायद नहीं आती है और ये उन्हें लगता है कि ये बाहरी भित्री की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बाहरी भित्री की लड़ाई नहीं है, ये एक शोषण की लड़ाई है जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से संवाद करना चाहूंगा और कहती बात है भले वो यहाँ पर नहीं आए हैं लेकिन जोहार, हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 स्कोप और जो भी पंडित जी इनके माध्यम से झारने बैठकर सुनी गई, चूंकि सामने अगर सियासत करते हैं जितेंद्र को गोपाल वाले सुनेंगे, क्योंकि हजारीबाग में यूपी बिहार की इमारतों की संख्या ज्यादा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।